ओके तो कल हम लोग पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो पहला यूनिट है वो देख रहे थे। ठीक है, तो वहां क्या है, पावर हम लोग परचेज करते हैं सेंट्रल अथॉरिटीज से, सेंट्रल अथॉरिटीज से या स्टेट अथॉरिटीज से, यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। हमारे ट्रैक्शन सिस्टम को, यानी हमारे रेलवेज को जो पावर मिलता है वो नॉर्मली 220 kV लाइन से मिलता है या फिर 132 kV लाइन से मिलता है। और होता क्या है कि उसके बाद भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सब स्टेशन यहाँ पे भी होगा जो आपके पावर सप्लाई अथॉरिटीज का होगा, और इस लाइन से, ये जो 220 kV का लाइन है या 132 kV का लाइन है, इससे उस सब स्टेशन में 25 kV पे स्टेप डाउन हो जाएगा। यानी अगर सपोज दैट 220 kV का लाइन से सप्लाई आ रहा था तो 220 से 25 kV में स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये सब स्टेशन भी जो है ना, ये सब स्टेशन भी हमारे सप्लाई अथॉरिटीज का रहता है, और इसके बाद यहाँ से 25 kV का लाइन ट्रैक्शन सब स्टेशन को मिलता है। आगे चल के हम और डिटेल से देखेंगे। ट्रैक्शन सब स्टेशन रेलवे के कंट्रोल में, यानी ट्रैक्शन अथॉरिटी के कंट्रोल में रहता है। ट्रैक्शन सब स्टेशन रेलवे के कंट्रोल में रहता है। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है यहाँ पे, और हम लोग पावर सप्लाई वहां पे रखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस जो होता है ना, इसका मेंटेनेंस भी यहाँ तक इस सब स्टेशन तक जो मेंटेनेंस है वो डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटी का है, जिनसे हम लोग पावर परचेस करते हैं। और यहाँ से ट्रैक्शन सब स्टेशन के बाद से सारा मेंटेनेंस एंड कंट्रोलिंग जो है आपके ट्रैक्शन सिस्टम का, यानी रेलवे सिस्टम का हो जाता है। यहाँ से जो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन है, यहाँ पे जो पावर की कंट्रोलिंग होती है ना, वो पावर की कंट्रोलिंग, अब जाहिर है हर स्टेशन पे हम लोग कंट्रोलिंग नहीं करते हैं। जब से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को, जब जब से हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन अपने पावर सिस्टम में शुरू किया है, ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में हम लोग पहुंचे और पावर सप्लाई सिस्टम में जब से हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम का यूज करना शुरू कर दिया, जब से हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करना शुरू कर दिया, तब से हमारा कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ हम लोग शिफ्ट करने लगे। तो अब क्या होता है, ये सारे पावर का ट्रांसमिशन, डिस्पैच, कब कितना रिक्वायरमेंट है, कब कितना हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, कितना डिमांड है, कितना हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम को, ये सारा एक जगह से बैठ के हम लोग करते हैं रिमोट कंट्रोल्ड वे से। और कहाँ से करते हैं, तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से हम लोग इस पूरे सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। आगे चल के और डिटेल से हम लोग देखेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए, ऑल द 220 ओब्लिक 132 kV, ऑल द 220 ओब्लिक 132 ये अपडेट इंस्टॉल कर रहा है, टाइम लेगा, तब तक लिखने वाला आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, तो ऑल द 220 ओब्लिक 132 kV, जो हमने देखा था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से जो हम लोग परचेस करते हैं वो 220 132 kV लाइन से आता है, उसी के बारे में है। ऑल द 220 ओब्लिक 132 kV एंड 25 kV इक्विपमेंट ऑफ सब स्टेशन इज ओन्ड, ओन से बना ओन्ड, OWNED इज ओन्ड, कॉमा देखे इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाई ओन्ड इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाई द सप्लाई अथॉरिटीज, द सप्लाई अथॉरिटीज।
फुल स्टॉप दे दीजिए। थर्ड पॉइंट में आ जाइए फॉर बेटर कंट्रोल, थर्ड पॉइंट में आ जाइए फॉर बेटर कंट्रोल एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोग्राम हाँ क्या अच्छा अच्छा थर्ड पॉइंट फिर से बोल देते हैं, फॉर बेटर कंट्रोल एंड प्रॉपर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, फॉर बेटर कंट्रोल एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम रेलवे इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ओन, ओ डब्ल्यू एन वाला ओन, कॉमा देके इंस्टॉल, कॉमा देके ऑपरेट एंड मेंटेन 220 केवी 132 केवी एट द सब स्टेशन। उसी तरह 220 ओब्लिक देके 132 केवी एट द सब स्टेशन themselves ठीक है फुल स्टॉप दे दीजिए। तो बाद में ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते गया, तो प्रॉपर कंट्रोल के लिए वो अब होता क्या है ना कि पूरा का पूरा रेलवे चल रहा है इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम पे, और कहीं से भी फॉल्ट आता है, ब्रेकडाउन आता है, मेंटेनेंस आता है, तो हमेशा हम लोग सप्लाई अथॉरिटीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। होगा क्या, इससे अनवांटेड डिले होगा, अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। मीन सपोज दैट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है और टोटली अगर हम लोग डिपेंड रहे सप्लाई अथॉरिटीज पे, सेंट्रल सप्लाई अथॉरिटीज पे और स्टेट सप्लाई अथॉरिटीज पे, कि सपोज दैट कहीं ब्रेकडाउन होता है, कहीं फॉल्ट होता है, तो उस केस में हम लोग कॉल करके सेंट्रल सप्लाई अथॉरिटीज को या स्टेट सप्लाई अथॉरिटीज को बुलाएंगे, तब मेंटेनेंस करवाएंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमेशा। तो प्रॉपर बेटर कंट्रोल रहे, टाइमली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, टाइमली हम प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके, इसलिए बेटर क्या होता है कि रेलवेज इन चीजों के कंट्रोल को सब स्टेशन के अंदर जो 220 केवी लाइन है और उनसे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स है, उनके कंट्रोल को रेलवेज अपने आप में ले ले। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, रेलवे ने अपने कंट्रोल को उस पूरे सिस्टम को ओन करना शुरू कर दिया, सो दैट की प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर सारी चीजें वहां पे हो सके। तो धीरे धीरे सब स्टेशन और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को रेलवे ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आइए, फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें। अच्छा, किसका? मेरा म्यूट हो गया था। Yes, sir. कैसे? अच्छा ठीक है फिर से बता देते हैं, कौन सा ही थर्ड वाला पॉइंट? यस, थर्ड वाला ही बता रहे हैं। ओके, देखो होता क्या है ना कि पहले हम लोग जो सिस्टम अडॉप्ट किया करते थे ना, अब देखो यहाँ पे दो सप्लाई अथॉरिटीज, यहाँ पे दो सिस्टम इन्वॉल्व है। पहले तो हम लोग पावर परचेस करते हैं, यानी रेलवे के लोग जब पावर परचेस करते हैं तो जाहिर है पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि पावर खुद से जनरेट करना फिजिबल नहीं है। रेलवे अपना थर्मल पावर प्लांट बैठा है, अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, जाहिर है जो पावर प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपर्ट है, पावर जनरेशन के लिए एक्सपर्ट है, हम उन्हीं को वो काम करने दें, बस उनसे हम पावर परचेस कर लें, जैसा कि अपने नॉर्मल लाइफ में हम लोग किया करते हैं कि पावर हम लोग परचेस कर लें। तो इसीलिए सप्लाई अथॉरिटीज से, चाहे वो सेंट्रल सप्लाई अथॉरिटीज हो और या स्टेट सप्लाई अथॉरिटीज हो, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिनसे हम लोग पावर परचेस करते हैं, तो उनसे हम लोग पावर परचेस कर लें। लेकिन जाहिर है उनसे पावर परचेस करके कहां तक ला रहे हैं और कहां के बाद से हम अपना ओनरशिप रखेंगे, ठीक है? पावर परचेस करके ला रहे हैं तो कहां तक उनका एरिया होगा और कहां से हम अपने इलेक्ट्रिफिकेशन को खुद से ओन करेंगे, खुद से मेंटेन करेंगे, खुद से उनका सारा रख रखाव और खर्च करेंगे, तो ये सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो पहले के सिस्टम में क्या होता था, नॉर्मली
जो 220 132 केवी सप्लाई उन्होंने दिया वो लाइन का मेंटेनेंस और एक और सब स्टेशन वो लोग बनाते थे जहां से 220 केवी लाइन को या 132 केवी लाइन को स्टेप डाउन करके वो 25 केवी पे ला देते थे, वहां तक मेंटेनेंस करते थे। और 25 केवी लाइन जब आपके रेलवे के आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन को मिलता था तो ट्रैक्शन सब स्टेशन और वहां के सर्किट ब्रेकर के बाद से सारा अरेंजमेंट आपके ट्रैक्शन सिस्टम का यानी रेलवे सिस्टम का होता था। लेकिन होता क्या था कि इससे एक प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होता था। प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपके यहाँ फॉल्ट हो रहा है, जाहिर है टेक्निकल आइटम है तो फॉल्ट होने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी, फॉल्ट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं तो हमें मान के चलना पड़ता है कि कुछ ना कुछ हमें ये सब परेशानियां झेलना पड़ेगा इन द कोर्स इन द लॉन्ग रन। तो होता क्या है कि अगर बराबर मेंटेनेंस अगर अगर बराबर फॉल्ट होता रहता है, अगर बराबर ब्रेकडाउन होता रहता है, तो हर बार अगर हम सप्लाई अथॉरिटीज पे डिपेंडेंट रहे, उनको कॉल करें मेंटेन करवाने के लिए और उनको कॉल करें फॉल्ट दूर कराने के लिए, तो हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि आपका एक बार कहीं फॉल्ट आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो जाहिर है वो रेलवे इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम अब काम करने योग्य नहीं है। तो कितने देर तक हम पैसेंजर ट्रेन को रोके रख सकते हैं, कितने देर तक हम लगेज ट्रेन को रोके रख सकते हैं। तो जाहिर है मेंटेनेंस अगर हम अपने हाथ में ले लें, यानी ट्रैक्शन अथॉरिटीज यानी रेलवे अथॉरिटीज मेंटेनेंस को अपने हाथ में ले ले, कहां से? तो आपके 220 केवी वाले लाइन का मेंटेनेंस और 25 केवी वाले लाइन का मेंटेनेंस और उससे जुड़ा हुआ जो आपका सब स्टेशन है उसके अंदर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस। तो वो अगर ट्रैक्शन सिस्टम खुद करने लगे यानी रेलवे अगर खुद से करने लगे तो जाहिर है बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, जो भी फॉल्ट होगा वो तुरंत फॉल्ट दूर होगा, जो भी ब्रेकडाउन होगा उसको तुरंत हम लोग दूर करके तुरंत ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग लाइन में ले आएंगे, तुरंत ट्रैफिक आपका चलने लगेगा। तो इसीलिए अब मॉडर्न सिस्टम में क्या होने लगा है कि ये सारे सिस्टम को ओन करना यानी उसका खुद का स्वामित्व रखना, तो अब रेलवे खुद का स्वामित्व रखने लगी है, खुद उसका मेंटेनेंस करने लगी है, सो दैट कि सारा प्रोसेस आपका इजीली हो सके और जो जो ब्रेकडाउन को ठीक करने वाला जो टाइम है वो टाइम कम से कम हो, हम लोग वापस उस पोजिशन को रिस्टोर कर सके, वापस हम सारे ट्रैफिक को रिस्टोर कर सके, तो वो टाइम कम से कम लगे, फॉल्ट का ड्यूरेशन कम से कम हो जाए। तो ये चीजें अब बेटर कंट्रोल के लिए होने लगा है, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, कि रेलवे ही ओन करे, इंस्टॉल करे, ऑपरेट करे एंड मेंटेन करे, ठीक है। तो ट्रैक्शन अथॉरिटीज ही फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए ट्रैक्शन अथॉरिटीज ही ओन करे, इंस्टॉल करे, मेंटेन करे, ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए, इन अनदर अरेंजमेंट आगे लिख लीजिए 220 केवी, उसी तरह ओब्लिक देके 132 केवी, 220 केवी ओब्लिक देके 132 केवी, थ्री फेज सप्लाई इज टेकन एट वन पॉइंट फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटीज इज टेकन एट वन पॉइंट फ्रॉम द सप्लाई अथॉरिटीज and then it is distributed by the railway authorities to different traction substations. ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं। In another arrangement, 220/132 केवी थ्री फेज supply is taken at one point from the supply authorities and then it is distributed by the railway authorities to different traction substations through their own transmission lines. फुल स्टॉप दे दीजिए और लिख लीजिए, एट फर्स्ट दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कानपुर के बाद डैश देखिए टुंडला, यूपी में दो जगह है, कानपुर और टुंडला। इन द केस ऑफ कानपुर टुंडला electrified section in the case of Kanpur dash decade Tundla
TUNDLA इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो होता क्या है, एक दूसरा अरेंजमेंट भी पावर सप्लाई का अडॉप्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है ना कि सेंट्रल अथॉरिटीज या स्टेट अथॉरिटीज, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिनसे पावर परचेस किया जा रहा है, उनसे पावर एक पॉइंट पे ले लिया जाए थ्री फेज सिस्टम में। और किस लाइन में, किस वोल्टेज लाइन में, तो या तो 220 केवी वाला वोल्टेज लाइन हो या 132 केवी वाला वोल्टेज लाइन हो, यानी कोई भी एक जो सुटेबल हो आपके लिए। तो हम लोग 220 केवी वाला अगर वोल्टेज लाइन लेते हैं थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, तो उसको रेलवे एक जगह एक पॉइंट पे ले ले और उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करे अपने खुद के ट्रांसमिशन लाइन से। तो ये सिस्टम अब बहुत पॉपुलर हो चुका है। सबसे शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अभी एग्जांपल में बताया कानपुर और टुंडला सेक्शन जो है वहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, अब ये पूरा इंडिया वाइड यूज होने लगा है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई लेने वाला झमेला हम लोग खत्म कर देते हैं। अलग अलग सेक्शन को पहले क्या करते थे ज्यादातर, कि अलग अलग सेक्शन को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग सप्लाई देते थे। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपना सब स्टेशन बनाना पड़ता था और रेलवे को अपना ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाना पड़ता था। लेकिन उससे बेटर क्या हुआ कि अब एक जगह ही 220 केवी लाइन से थ्री फेज सप्लाई ले लिया जाए, रेलवे ले ले वहां पे सप्लाई, और उस सप्लाई को रेलवे अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेक्शन को अपने ट्रांसमिशन लाइंस को यूज करके, अपने सब स्टेशन को यूज करके अलग अलग सेक्शन को सप्लाई दे। तो ये पहला सिस्टम कानपुर टुंडला लाइन में, कानपुर टुंडला सेक्शन में हुआ था, लेकिन अब इंडिया वाइड अडॉप्ट होने लगा है। तो ये सिस्टम अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये आपका हाई वोल्टेज एसी सप्लाई सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, अब नया टॉपिक दे दीजिए, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। नया टॉपिक दे दीजिए, फीडिंग, FEEDING, फीडिंग एंड सेक्शनिंग, सेक्शंस जो इसमें होते हैं उनसे बना सेक्शनिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो होगा क्या कि ये आपका पहला यूनिट जो है वो पावर सप्लाई अरेंजमेंट पे है। तो पावर सप्लाई का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं ट्रैक्शन के लिए, उसी पे सारी चीजें बेस्ड हैं। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा फायदा है कि नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो फीडिंग है यानी किसी चीज को फीड करना, जैसे हम लोग किसी को कुछ खिलाते हैं, छोटे बच्चे को हम लोग खिलाते हैं, फीड करते हैं, उसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ जो जरूरत है, यहाँ की जरूरत क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। तो जाहिर है लोकोमोटिव को भी फीड करना होगा कुछ, और यहाँ क्या हम लोग फीड करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करेंगे। तो हम लोग सप्लाई अथॉरिटीज से, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर परचेस करते हैं और अपने रेलवे के ट्रैक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम से यूज करके हम लोग अपने OHE को यूज करके और OHE से जुड़े हुए बाकी सारे इक्विपमेंट्स को यूज करके पावर को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फीड करते हैं लोकोमोटिव तक, सो दैट कि लोकोमोटिव प्रॉपरली वर्क करे। तो अब इसके अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे कि फीडिंग अरेंजमेंट और सेक्शनिंग अरेंजमेंट, अलग अलग सेक्शन में हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो अभी छोटा सा समरी उसके बारे में है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए इंप्लाइज का साइन देके लिख लीजिए, सिंस द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर थ्री फेज कॉमा दे दीजिए, उसके आगे लिख लीजिए The single phase traction load causes the single phase traction load causes unbalance in the supply system. कॉमा देके लिखिए, which has undesirable effects on the generators. If certain space
स्पेसिफाइड लिमिट्स आर एक्सीडेड इफ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट आर एक्सीडेड. ओके ठीक है. तो होता क्या है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट का जो पहला पॉइंट है. इसमें है क्या, तो हम लोग जो नॉर्मल पावर सिस्टम है हमारा, नॉर्मल पावर सिस्टम यानी अभी ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल पावर सिस्टम जो ओवरऑल पावर सिस्टम है, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और अलग अलग लोड सेंटर्स को, अलग अलग कंज्यूमर्स को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से हम लोग पहुंचाते हैं. ठीक है, तो वहां क्या होता है, हमारे कंज्यूमर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, उनको हम लोग पहुंचाते हैं. तो वो जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है, जो आपका जनरल पावर सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम होता है बताइए. ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जनरल पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं. जनरल जो आपका ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करते हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है और सबसे ज्यादा अडॉप्ट होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा सिस्टम है वो. बताइए. सिंगल फेज को कहाँ अडॉप्ट करते हैं हम लोग, सिंगल फेज तो खाली डोमेस्टिक कंज्यूमर को देते हैं वो भी आखिरी एंड में. जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है, अरे ओवरहेड तो है ही, वो नहीं, ओवरहेड तो है ही, अंडरग्राउंड सिस्टम भी कहीं कहीं यूज होता है. थ्री फेज सिस्टम, यस, जो हम लोग ओवरऑल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अडॉप्ट करते हैं वो आपका थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है. इंडिया में थ्री फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम है, यूएसए में थ्री फेज 60 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम है, लेकिन सब थ्री फेज है. तो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम सबसे ज्यादा अडॉप्ट होता है वो आपका थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सप्लाई. तो थ्री फेज में हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह हम लोग थ्री फेज सिस्टम पे डिपेंडेंट है. हाँ, कंज्यूमर एंड पे क्या होता है ना, कंज्यूमर एंड पे जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको, उनका सारा डिवाइस सिंगल फेज के लिए डिजाइन है, उनका लोड कम है, उनकी लोड रिक्वायरमेंट कम है. तो कंज्यूमर एंड पे जाके जो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो थ्री फेज सिस्टम हम लोग दे रहे हैं, उस जो थ्री फेज सिस्टम हम लोग 415 वोल्ट 300 थ्री फेज सिस्टम देते हैं, उसी को हम लोग सिंगल फेज करके एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल लोड को बैलेंस करते हुए सारे कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं. तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर एंड आने पर सिंगल फेज सिस्टम होता है, अदरवाइज पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके थ्री फेज सिस्टम पे बेस्ड है. अब यहाँ क्या होता है, देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रेलवे को सप्लाई दिया, थ्री फेज सिस्टम हमारे यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर सिस्टम में अडॉप्ट होता है. लेकिन रेलवे का लोड कौन सा है, तो बता चुके हैं कि रेलवे में हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, रेलवे में ट्रैक्शन में हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, और वो भी इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होता है, वो कौन सा सिस्टम है, पिछले क्लासेस में बता चुके हैं, बताइए. हाँ, सिंगल फेज एसी. और सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सिस्टम है, यानी 25,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सिंगल फेज एसी सिस्टम रेलवे में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं. तो जाहिर है रेलवे का जो भी लोड है, रेलवे का जो भी लोड है वो क्या है, सिंगल फेज लोड है अलग अलग सेक्शन में. और हम लोग जहां से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं वो पूरा का पूरा पावर सिस्टम थ्री फेज सिस्टम है. तो सिंगल फेज लोड होने की वजह से अलग अलग सेक्शन को हम लोग दे रहे हैं, हो सकता है अलग अलग रेलवे के अलग अलग सिस्टम में हो सकता है लोड का वेरिएशन आ जाए. तो इन सिंगल फेज लोड का वेरिएशन जो है ना, वो हमारे थ्री फेज पावर सिस्टम जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटीज का है उन पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, अगर लोड इधर अनबैलेंस होता है तो. समझ में आ रहा है, हमारा पावर सिस्टम पूरा का पूरा जनरल पावर सिस्टम जो हम लोग जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे कंज्यूमर्स को, वो पूरा सिस्टम थ्री फेज सिस्टम पे बेस्ड है.
और उससे हम लोग रेलवे को जो सप्लाई देते हैं वहां सारा लोड सिंगल फेज सिस्टम पे है। तो अगर हमने प्रॉपरली बैलेंसिंग नहीं किया लोड का, रेलवे का जो आपका सिंगल फेज अलग अलग सेक्शंस है उन सेक्शन में अगर लोड अनबैलेंस हुआ तो इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट आएगा आपके जनरल पावर सिस्टम पे जो सप्लाई अथॉरिटीज का है जहां से हमने पावर परचेस किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है हमेशा। तो ये पहला पॉइंट फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट का है। अब उसी के बारे में है आगे चल के कि उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो इंप्लाइज का साइन देके अगले पॉइंट में आ जाइए। अब इसको कैसे दूर करेंगे उसी के बारे में है। तो लिख लीजिए टू कीप द अनबैलेंस ऑन द थ्री फेज ग्रिड सिस्टम विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। अब जाहिर है अनबैलेंस जो होता है ना वो कुछ लिमिट के अंदर अनबैलेंस हो तो चल जाता है, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब कुछ कोशिश करेंगे कि अनबैलेंस जो हो रहा है ना उसको लिमिट के अंदर ही रखें। उसी के बारे में है टू कीप द अनबैलेंस ऑन द थ्री फेज ग्रिड सिस्टम विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स कॉमा दे दीजिए पावर फॉर ट्रैक्शन इज टैप्ड ऑफ। टैप से बना नल वाला जो टैप होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो हम लोग टैपिंग करते हैं उसी से बना टैप्ड TAPPED टैप्ड ऑफ। कहीं से कनेक्शन लेना उसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट केबल्स जा रहा है, केबल्स में बीच में हम लोग इंटरैक्ट करके बीच में इंटरप्ट करके वहां से हमने दूसरा कनेक्शन निकाल दिया तो हम लोग बोलेंगे हमने टैपिंग किया। जैसे पाइपलाइंस जा रहा है ना, पाइपलाइंस में कहीं पाइपलाइंस के बीच से हमने नल को जोड़ के निकाल दिया तो उसी तरह टैपिंग होता है। ठीक है, तो टैप्ड ऑफ OFF तो लिख लीजिए पावर फॉर ट्रैक्शन इज टैप्ड ऑफ द ग्रिड सिस्टम across the different phases at adjacent substation in cyclic order। ठीक है, तो लास्ट में था adjacent substation in cyclic order। तो होता क्या है कि हम लोग ये जो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम के बैलेंस नहीं रहने के कारण, इस अनबैलेंस को अगर हम लिमिट में ही रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम पावर सप्लाई जो थ्री फेज सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोग ले रहे हैं उसमें टैपिंग करके अलग अलग फेज का हम लोग लोड दें। और कैसे दें, तो जितना एडजेसेंट सब स्टेशन है ना उनमें हम देते चले जाएं। जैसे थ्री फेज सिस्टम जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है पहले हमने आर फेज को टैप किया और एक सब स्टेशन को और उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल सेक्शन को हमने सप्लाई दे दिया। उसके जस्ट पास वाला जो सब आपका ट्रैक्शन सेक्शन है उसके सब स्टेशन को बी फेज से हम लोग टैपिंग करके दे दें। फिर उसके जस्ट बाद वाला जो सेक्शन है वहां हम लोग सी फेज से टैपिंग करके दे दें। तो इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में RYB अगर हम लोग फॉलो करते जाएं हर एक एडजेसेंट सबस्टेशन को इसी सीक्वेंस में देते जाएं तो नतीजा होगा बैलेंसिंग को बहुत हद तक, अनबैलेंसिंग को हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग करते हैं टैपिंग इस तरह से करते हैं कि जो एडजेसेंट सेक्शंस हैं उनसे जुड़े हुए सब स्टेशन को थ्री फेज लाइन से टैपिंग हम इस तरह से करते हैं जो एक फेज सीक्वेंस में हो और साइक्लिक ऑर्डर में हो। इस तरह से लोड को बैलेंस रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अनबैलेंस हो भी तो लिमिट के अंदर वो अनबैलेंस हो, इस तरह की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा देखो है क्या, अब तो ये भी नहीं आ रहा है ना, ये कभी कभी देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है ना, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 10, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अपडेट का ही है। सिस्टम अपने आप अपडेट में ले लिया और घंटों तक अपडेट ही करता रह जाएगा, अभी बोर्ड पे बताए बिना मुश्किल है। चलो लिख के बता देते हैं मार्कर से। तो होता क्या है, अब इस चीज को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, होता क्या है, एक लाइन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक जो आपका एक रूट है ट्रेन का, एक रूट या ट्रैक्शन का एक रूट,
सपोज दैट पटना से दिल्ली तक का रूट है। अब होता क्या है ना कि पटना से दिल्ली तक का जो लाइन है ना वो आपको दिखेगा एक जैसा, अलग अलग पोल्स के बीच में, अलग अलग जो आपका पोल्स है उसके बीच में इस तरह होता हुआ, अलग अलग जो पोल्स है इस तरह सो ऑन, बहुत सारा इस तरह पोल सपोर्ट के बीच में हम लोग ले जाएंगे, लेकिन आपको ये लगेगा एकदम एक, मतलब ये जो लोअर वायर है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं, आगे चल के सारा डिटेल दिखाएंगे सर जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग कंडक्टर वायर बोलते हैं या कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं, और ये ऊपर जो है ये कैटेनरी है, और इधर ये ड्रॉपर्स है या सेपरेटर्स है, इनको ड्रॉपर्स या सेपरेटर्स कहते हैं। तो होता क्या है कि देखने से लोगों को लगता क्या है ना, देखने से लोगों को लगता है कि पेंटोग्राफ यहाँ पे सटा, आपके लोकोमोटिव का जो पेंटोग्राफ है ये कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर इमेजिन करो पटना से दिल्ली के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस अगर और हम लोग बढ़ा के दिखा दें समझने के लिए, इस तरह बहुत सारा सेक्शंस है, जाहिर है मान लो अगर 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। अब अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि लोड को बैलेंस करने के लिए हम लोग हर एक एडजेसेंट सबस्टेशन को साइक्लिक ऑर्डर में अलग अलग फेज सीक्वेंस से कनेक्शन देते चले जाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो इमेजिन करो कि ये आपका पावर सप्लाई वाला ट्रांसमिशन लाइन है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है। सपोज दैट दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। तो लोड को बैलेंस करने के लिए अभी अभी आपको क्या बताया गया कि हम लोग टैपिंग करके एडजेसेंट सेक्शन को हम लोग एक फेज सीक्वेंस में साइक्लिक ऑर्डर में सप्लाई देते चले जाएंगे। जैसे सपोज दैट इस सेक्शन को हमने आर फेज से टैपिंग करके दे दिया, इस सेक्शन को हमने वाई फेज से टैपिंग करके दे दिया, इस सेक्शन को हमने बी फेज से टैपिंग करके दे दिया, और यही साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होता चला जाएगा। इसके बाद वाले को फिर से आर में देंगे, फिर से उसके आगे जो होगा उसको वाई से देंगे, और फिर से उसके आगे जो होगा उसको बी से देंगे। इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में आर फेज, वाई फेज, बी फेज, आर फेज, वाई फेज, आर फेज, वाई फेज, बी फेज हम लोग कनेक्शन देते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये कर रहे हैं क्यों, लोड को बैलेंस करने के लिए। लेकिन देखो कि अगर ये वायर कंटिन्यूअस रहेगा तो आर और वाई फेज आपस में शॉर्ट नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाएगा, बी और वाई फेज आपस में डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो जाएगा, बी और आर फेज आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाएगा। सोच के देखो, जो चीज समझा रहा है वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग किए क्या, देखो फिर से समझ लो, हम लोग किए क्या, तो अभी आपको बताया गया कि लोड को बैलेंस रखने के लिए आपके ट्रैक्शन में सिंगल फेज सिस्टम है, और ओवरऑल सप्लाई आपका जो है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लो लेते हैं वो थ्री फेज सिस्टम है। लोड को बैलेंस में रखने के लिए, या अगर अनबैलेंस हो भी तो लिमिट के अंदर अनबैलेंस हो, अगर अनबैलेंस हो भी तो लिमिट के अंदर अनबैलेंस हो, इन चीजों को करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो इन चीजों को करने के लिए हम लोग अल्टरनेट टैपिंग करके अलग अलग एडजेसेंट सेक्शन को, यानी जस्ट एक के बगल वाला दूसरा जो सेक्शन है एडजेसेंट सेक्शन को, हम लोग अलग अलग फेज से टैपिंग करके साइक्लिक ऑर्डर में सप्लाई देते चले जाते हैं। जैसे इस सेक्शन को आर वाई आर वाले से सप्लाई दिया आर फेज से, उसके जस्ट बगल वाले को वाई फेज से दिए, उसके जस्ट बगल वाले सेक्शन को बी फेज से दिए, और साइक्लिक ऑर्डर में ये रिपीट होता चला जाएगा, फिर आर वाई बी, फिर आर वाई बी, फिर आर वाई बी। तो अगर ये कॉमन केबल है पटना से दिल्ली तक जिसमें ये पेंटोग्राफ सटता चला जा रहा है, जाहिर इसमें ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, सटता चला जा रहा है, तो अगर ये कॉमन है तो जाहिर है यहाँ आर और वाई एक साथ शॉर्ट कनेक्टेड नहीं हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, वाई फेज और बी फेज एक साथ नहीं कनेक्ट हो गया, बी फेज और आर फेज एक साथ नहीं कनेक्ट हो गया, तो सिग्नल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। तो इसी से बचने के लिए
इसी से बचने के लिए हम लोग सेक्शनिंग करते हैं, यानी जहां भी दो कनेक्शन है उसमें बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ दो सेक्शन है ना, सेक्शन वन और सेक्शन टू, सपोज दिस इज सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, सेक्शन फोर, फाइव एंड सो ऑन। तो सेक्शन वन और सेक्शन टू के बीच में जो लाइन है ना, यहाँ हम लोग एक न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं इंसुलेटर्स को लगा के। यहाँ हम लोग न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं इंसुलेटर्स को लगा के, यानी इसके बीच का जो केबल है ना, यहाँ इंसुलेटर से, यहाँ इंसुलेटर से, ये सेक्शन में कोई फेज नहीं है, ठीक है। इधर आर फेज, इस सेक्शन में कोई फेज नहीं लेकिन कंडक्टर है। हाँ, कंडक्टर को यहाँ इंसुलेटर से, यहाँ इंसुलेटर से हमने अलग कर दिया, तो जाहिर है वहां कोई भी फेज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल सेक्शन। फिर यहाँ वाई फेज, फिर यहां से यहां के बीच में हमने एक न्यूट्रल सेक्शन क्रिएट कर दिया, वायर है लेकिन यहां इंसुलेटर से सेपरेटेड है, ठीक है। फिर यहां और यहां के बीच में हमने न्यूट्रल सेक्शन क्रिएट कर दिया, इसी को बोलते हैं सेक्शनिंग। और सेक्शनिंग में जो काम ये करता है इंसुलेटर, वो हो जाता है सेक्शन इंसुलेटर। जो पोस्ट ये काम करता है उसको हम लोग सेक्शनिंग पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ना हो जाए, इसके वजह से हम लोग बीच में न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं। और इसी न्यूट्रल सेक्शन को आने से पहले, जहां जहां ये न्यूट्रल सेक्शन, यहाँ तो नजदीक नजदीक है ना, होता है बहुत दूर दूर पे, आपको रेंज भी लिखाएंगे कितने कितने किलोमीटर पे होता है, आगे चल के आपको रेंज भी लिखाएंगे। तो जब न्यूट्रल सेक्शन आता है, तो आपको जो थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में बताए थे, सिग्नलिंग के लिए हम लोग पोस्ट लगाते हैं, पोल्स लगा रहता है उस पे, सिंबल्स इमेज लगा रहता है सिग्नलिंग के लिए। तो जहां भी न्यूट्रल सेक्शन आएगा उसके पास ड्राइवर को पहले ही सिग्नल मिल जाएगा कि न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है, वो अपने पेंटोग्राफ को डाउन कर लेगा। पेंटोग्राफ जो है वो सर्वो मोटर से चलता है, कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म पे, तो वो पेंटोग्राफ को डाउन कर लेगा और न्यूट्रल सेक्शन से पहले अपने ट्रेन की स्पीड इतना ज्यादा रखेगा, क्योंकि पेंटोग्राफ डाउन होने का मतलब है अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं मिल रहा लोकोमोटिव को, तो जाहिर है उसको क्या करना होगा, अब इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिल रहा है, पेंटोग्राफ डाउन कर लिया तो आपके ओएजी से कनेक्शन हट गया, आपके ओएजी से जो कनेक्शन था पेंटोग्राफ का वो हट गया, कनेक्शन हट गया तो अब आपके लोकोमोटिव को पावर नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है उसको पहले से स्पीड इतना मेंटेन करके रखना होगा कि उस स्पीड की, उस स्पीड की वजह से जो इनर्शिया है, यानी ट्रेन के और लोकोमोटिव के कंबाइंड वेट और ट्रेन की पहले वाली वेलोसिटी के वजह से जो इनर्शिया है, जो मोमेंटम है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इतनी सफिशिएंट हो कि पेंटोग्राफ का कनेक्शन हटा लेने के बाद भी स्पीड इतना एनफ स्पीड हो, मोमेंटम इतना सफिशिएंट मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो, ठीक है, कि वो उस बिना पावर लिए हुए भी उस सेक्शन को क्रॉस कर जाए। और जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा, वहां से वो ड्राइवर, वो लोको पायलट अपना पेंटोग्राफ वापस उठा लेगा और वापस कनेक्शन उसको मिल जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रल सेक्शंस बनाने की जरूरत होती है। अगले पॉइंट में आपको यही लिखना है, ठीक है। तो अगले पॉइंट में इसी चीज को लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए दस दस, इट बिकम्स नेसेसरी, इट बिकम्स नेसेसरी टू सेपरेट इलेक्ट्रिकली, दस इट बिकम्स नेसेसरी टू सेपरेट इलेक्ट्रिकली द ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, द ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम्स फेड बाई एडजेसेंट सबस्टेशंस, फेड बाई एडजेसेंट सबस्टेशन। तो कहने का मतलब है कि अब ये नेसेसरी हो गया कि एडजेसेंट सब स्टेशन को ना हम इलेक्ट्रिकली सेपरेट करें, जितने भी एडजेसेंट सब स्टेशन हैं इनको हम इलेक्ट्रिकली सेपरेट करें, ठीक है। और कैसे सेपरेट करेंगे बताए हैं अभी आपको, कैसे सेपरेट करेंगे, हाँ रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, कैसे सेपरेट करेंगे बताए आप लोगों को, बताइए कैसे इलेक्ट्रिकली सेपरेट करेंगे। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम भी बताया ना, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं,
न्यूट्रल सेक्शन, यस, तो उसी को लिखना है। अब इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके इसको लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए दिस इलेक्ट्रिकल सेपरेशन, दिस इलेक्ट्रिकल सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेक्शंस, बिटवीन द एडजेसेंट सेक्शंस is done by providing a neutral section, और neutral section को inverted comma के अंदर करिए, providing a neutral section which ensures that the two phases are not breached, ब्रिज, पुल वाला ब्रिज से बना ब्रिज्ड, ब्रिज में ईडी लगा लीजिए, BRIDGED, ब्रिज्ड, बाय पेंटोग्राफ्स ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ठीक है, तो ये हम लोग न्यूट्रल सेक्शन को यूज करके करते हैं, सो दैट कि पेंटोग्राफ की वजह से वो शॉर्ट ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम लोग ये करते हैं। हाँ बोलो। हाँ, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, किसका किसका सर्किट? हाँ, यस, आगे बोलो। ओके ओके, वो सर्किट की बात कर रही हूँ, लोकोमोटिव का सर्किट। तो लोकोमोटिव का सर्किट जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया गया पेंटोग्राफ से, आपके लोकोमोटिव के अंदर आया, और आपका जो रेल्स है ना, जो मेटालिक रेल्स है जिनके वजह से नाम पड़ा रेलवे, जो लोहे की पटरियां होती है स्टील की, वो रेल्स से हम लोग यहाँ न्यूट्रल का काम करते हैं। हियर अर्थिंग इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल। तो आप लोग गौर करिएगा, हर एक कुछ कुछ डिस्टेंस पे एक पट्टी लगा के, हर एक कुछ डिस्टेंस पे एक पट्टी लगा के इसको ग्राउंड किया रहता है। कभी गौर करिएगा पटरियों पे, तो हर एक कुछ कुछ डिस्टेंस पे उसको ग्राउंड किया रहता है, और लोड बैलेंस होने पर न्यूट्रल से कोई करंट नहीं फ्लो होता है, देयरफॉर उन पटरियों से कोई करंट नहीं फ्लो होता है। तो सर्किट कंप्लीट यहां से होता है, यहां से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, यूटिलाइज हुई, और फाइनली अल्टीमेटली जीरो पोटेंशियल अर्थ में चला गया, और अर्थ इज एक्टिंग एज ए कंडक्टर ओवर हियर। अर्थ जो है ना न्यूट्रल कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ क्या? क्या यस 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 डेफिनेटली इंजन का व्हील ही तो कनेक्ट करेगा, जब पटरियों से दे रहे हैं हर, यहाँ पे क्या है देखो, अर्थिंग जो आपको बेसिक्स पढ़ाए थे पहले, आपको बताए थे कि अर्थिंग से भी हम लोग बहुत सारा काम लेते हैं। अर्थिंग इज एक्टिंग एज ए ग्राउंड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अर्थिंग एज ए सेफ्टी मेजर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड अर्थिंग एज ए न्यूट्रल, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। तो हम लोग घर में जो अर्थिंग करते हैं ना, वो अर्थिंग एज ए सेफ्टी मेजर करते हैं, और यहाँ जो अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग एज ए न्यूट्रल कर रहे हैं। तो यहाँ न्यूट्रल का काम अर्थ कर रहा है, और अगर गौर से देखिएगा तो हर एक पटरियों को हर एक कुछ डिस्टेंस के बाहर इस तरह कॉपर की स्ट्रिप से ग्राउंड किया रहता है, कॉपर की स्ट्रिप से ग्राउंड किया रहता है। ठीक है, और यही अर्थिंग एज ए सेफ्टी मेजर यूज करते हैं हम लोग जो घर में यूज करते हैं। तो घर में क्या होता है, ऐसे सारे इक्विपमेंट जिनका आउटर बॉडी मेटालिक है, तो हम लोग करते क्या है कि जो आपके प्लग में जा रहा है वायर्स, तो एक फेज है, एक न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क कराने के लिए है। लेकिन होता क्या है, किसी भी मेटालिक चीज का, जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जिसका आउटर बॉडी मेटालिक है, तो उसको हम लोग इंसुलेट तो करके रखते हैं, लेकिन इन केस
इंसुलेशन फेलियर हुआ या किसी कारण से लाइव वायर इस आउटर बॉडी के टच में आया, तो गलती से कोई इस आउटर बॉडी को टच ना करे, टच करे तो उसको करंट ना लगे, इससे हम लोग क्या करते हैं इस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट करके थर्ड पिन निकाल देते हैं, जो आपका सॉकेट है वहां क्या होता है, तो आपके राइट साइड में लाइन, इधर न्यूट्रल और इधर अर्थ, तो यहाँ क्या होता है इससे और इसको जाके हम लोग अर्थ में कनेक्ट किए रहते हैं प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग से। तो बाय फॉल्ट अगर यहाँ पे लाइव वायर टच भी हो गया मेटालिक पार्ट में, तो यहाँ क्या है वो चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज इस पे आया, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल आया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई, वो इससे न्यूट्रल से होते हुए अर्थ से होते हुए अर्थ में चला गया, और अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट पे आ गया। नतीजा हुआ कि लाइन वायर सटने के बाद भी अगर हम इसको टच करें तो हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ अर्थिंग इज एक्टिंग एज ए सेफ्टी मेजर और यहाँ अर्थिंग इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल, ठीक है। तो वहां अर्थ इज कंप्लीटिंग द पाथ, ठीक है। इस क्लास को अभी यहीं ओवर करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ओके। पूछना है किसी को कुछ? बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ क्या? ओके ओके ओके। देखो है क्या ना, घर पे जो हमारा कनेक्शन है ना, जैसे आपका सॉकेट जो है, आपका सॉकेट में देखिएगा इस तरह से कम 3 पिन रहता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, वो अलग अलग स्पेस के हिसाब से है। अब यहाँ क्या होता है, जो सॉकेट आपको दिख रहा है ना, उसमें राइट साइड में साइन कन्वेंशन हमने बनाया है, राइट साइड में हम लोग लाइन लेते हैं, लाइन या फेज हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट साइड में हम न्यूट्रल लेते हैं, ऊपर जो मोटा पिन है इसको हम लोग अर्थ करते हैं। अब ये कनेक्टेड कैसे है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो दो आपका सर्विस मैन से जो आया, सर्विस मैन से क्या हुआ, एक आपका फेज है एक न्यूट्रल है, तो यहां से हमने फेज को लाके कनेक्ट कर दिया फेज में और न्यूट्रल को लाके हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल में। थर्ड पिन जो है ना, थर्ड पिन हम अपने घर में अर्थिंग बनाए रहते हैं, अर्थिंग दो टाइप का होता है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। तो यहाँ थिक कॉपर स्ट्रिप को हम लोग बना देते हैं और अल्टरनेट लेयर ऑफ सॉल्ट एंड चारकोल को हम लोग यहाँ रखते हैं, मॉइस्चर लेवल बनाए रहते हैं, सो दैट कि अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया तो अर्थ ऑलमोस्ट 0 वोल्ट पे है, तो इससे जो भी चीजें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में रहेंगी थिक मेटालिक स्ट्रिप से, हमेशा ध्यान में रखना है कि वायर से नहीं, थिक मेटालिक स्ट्रिप से यानी मोटे मेटल के पट्टे से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, थिक मेटालिक स्ट्रिप से, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया, वैसे जो भी चीजें कनेक्ट है ना वो 0 वोल्ट पे आ गया। अब आपका जो डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जिसका आउटर बॉडी मेटालिक हो, ऐसे इक्विपमेंट आपके घर में जिसका आउटर बॉडी मेटालिक हो, और ये सब तो पहले क्लास में बता चुके हैं, ये सब आप लोगों को आना चाहिए था, ये सब पहले क्लासेस में सिखा चुके हैं, अब क्लासेस आप लोग मत करिए तो हमेशा यही दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कोई भी मेटालिक बॉडी है, आपका घर का इक्विपमेंट जिसमें मेटालिक बॉडी है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, घर का वो सारा इक्विपमेंट जिसका आउटर बॉडी मेटालिक है, अब जाहिर है इसको हम डिजाइन करते हैं, जैसे फ्रिज ही है तो इसके अंदर का सर्किट हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अंदर का सर्किट से आपका बाहर वाला मेटालिक बॉडी जो है ना वो इंसुलेट रहे, यानी नॉर्मल केस में आउटर मेटालिक बॉडी में कोई करंट आपको नहीं लगेगा अगर आप उसको टच करो तो, नॉर्मल केस में, क्योंकि उसको हमने अंदर के सर्किट को आउटर मेटालिक बॉडी से डेफिनेटली हमने इंसुलेट करके रखा है। अब अंदर का सर्किट को काम करने के लिए दो चीजें ही चाहिए ना, फेज और न्यूट्रल, तो इसका जो प्लग जो आएगा ना, जाहिर है इसके अंदर के सर्किट में जो जा रहा है वो फेज तो जरूर होगा, न्यूट्रल तो जरूर होगा, ये अंदर के सर्किट के लिए है, ठीक है। तो इसका जो सॉकेट होगा ना, इसमें फेज और न्यूट्रल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यहाँ ले जाके हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, यहाँ ले जाके हमने फेज को कनेक्ट कर दिया, जो सॉकेट इसमें लगने वाला है। अब एक ऊपर का जो पिन है ना, इसको हम लोग करते क्या है, तो इसको हम लोग इसके मेटल बॉडी से, आउटर मेटल बॉडी से कनेक्ट करके ये थर्ड पिन में कनेक्ट रखते हैं, और ये जाके ये सॉकेट इसमें लग गया, कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल केसेस में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल केस आया, जैसे ही फॉल्ट हुआ, अब सपोज दैट ऐसा कोई फॉल्ट हुआ जिसमें हमने आउटर बॉडी को इंसुलेटेड रखा था, वो इंसुलेशन फेलियर हो गया, सपोज दैट इसका इंसुलेशन फेलियर हो गया, या फिर कहीं गलती से लाइव वायर जो है ना
आपके अंदर के सर्किट का, फ्रिज के अंदर के सर्किट का लाइव वायर कहीं गलती से आउटर मेटालिक बॉडी से टच कर गया, तो होगा क्या कि अब कोई इसको छूने जाएगा तो करंट लगना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, आउटर मेटालिक बॉडी को इस थर्ड पिन से कनेक्ट कर दिया है और ये थर्ड पिन जाके यहाँ लग रहा है, और यहाँ से ये थर्ड पिन कहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ हमारे अर्थिंग में कनेक्टेड है। तो बाय फॉल्ट अगर लाइव वायर आउटर मेटालिक बॉडी से टच भी करता है, तो यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल आया लाइव वायर पे टच करने से, जितना भी चार्ज आया, ये सारा चार्ज इससे होते हुए, इस सॉकेट से होते हुए अर्थ में चला गया, और जितना भी पोटेंशियल डेवलप हुआ था, मान लो 230 वोल्ट पोटेंशियल जो था, ये सारा 230 वोल्ट पोटेंशियल ये 0 वोल्ट से टच होके सारा चार्ज अर्थ में मूव कर गया और ये आउटर बॉडी फिर से वापस 0 वोल्ट पोटेंशियल पे आ गया। यानी अब फॉल्ट के केस में भी अगर आउटर बॉडी को हम टच करें तो हमें शॉक नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो पहले भी बता चुके हैं, ये तो पहले क्लासेस में कितने बार समझा चुके हैं, ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। हाँ क्या, ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं यहीं पे।